ये देखिए, ये अभी पकने में खाली 5 मिनट बाकी है। अभी आज बनाएंगे अफगानी स्टाइल में फिश करी। चलो उससे पहले पहले धोलेंगे इसको। तो चलो सबसे पहले मछली को अच्छा सा साफ कर लेंगे। चलो इसमें डालेंगे पानी पूरा अच्छा सा साफ करेंगे और जबरदस्त तरीके से। क्या बनाएंगे पुनः बताओ? अफगानी स्टाइल में फिश करी। बस एकदम बड़ा भैया आज। तो सबसे पहले तो उसको अच्छा सा साफ कर लेंगे, उसका बाद मिलाएंगे थोड़ा सा मसाला और जाएगा पैन के ऊपर। पैन के ऊपर एकदम ताजा मछली है ना, देखिए इतना बड़ा बड़ा मछली का पीस देख सकते, बहुत बढ़िया टेस्ट रहेगा। चलो यहाँ पे तो आलोक भैया आग रेडी कर दिया। ये देखिए यहाँ पर मछली तो एकदम जबरदस्त तरीके से साफ कर दिया। अभी इसका पर डालूंगा मसाला, भाई देखते रहिए किस तरह डालूंगा मसाला। देखिए ये सबसे पहले लाल मिर्ची का पाउडर, देखो 2-3 चम्मच, ये है नमक 1-2, ये भी गया 3 चम्मच, और अब आया देखिए हल्दी पाउडर 1, ये जाएगा खाली 2 चम्मच, ये है गरम मसाला फिश गरम मसाला। अब ऊपर से डाल देंगे लेमन का जूस, ये देखिए इस तरह पूरा 6 लेमन डालेंगे इसमें। पूरा एक एक मछली का पीस में पूरा मसाला लगना चाहिए, तब मजा आएगा खाने में। मिर्ची भाषा आराम से ऐसा पकड़ के रगड़ो जी, ऐसा इस तरह मसाला मिलाएंगे। अभी मछली का ऊपर पूरा मसाला लग गया, ये देखिए। चलो अब ले लेंगे इसमें भैया, पूरा 30 मिनट रख देंगे मैरिनेशन, 1 घंटा। क्या बोले को ना? मैरिनेशन पे हाँ 1 घंटा रख देंगे, 30 मिनट जितना टाइम देते ना उतना बढ़िया टेस्ट रहेगा। चलो लेके आओ, लेके आओ तवा, लेके आओ। यहाँ पर देखिए तवा एकदम गर्म, अभी इसमें डालेंगे ऑयल, ये आ गया ऑयल। चलो अभी तक 40 मिनट हो गया, चलो इसको ले लेंगे और ऑयल भी गर्म हो गया, डाल देंगे। चलो डाल दो भाई, एक एक करके रखे जाएंगे। ये देखो भाई जबरदस्त टेस्ट रहेगा आज मछली करी का, क्योंकि ये है अफगानिस्तान का। और ना मुँह में से पानी आ रहा आएगा, पानी आएगा क्योंकि मज़ेदार मछली का फ्राई हो रहा, तो उसके बाद फिर करी बनेगा, ये पानी तो आना चाहिए। ये देखिए मछली तो एक ही साइड अच्छा सा फ्राई हो गया। चलो इसको पलटाएंगे एक एक करके, ये देखिए। अरे वाह एकदम जबरदस्त तरीके से फ्राई, ये साइड भी अभी लगेगा 10 मिनट फ्राई होने के लिए। उसका बहुत भाई जबरदस्त वाला मसाला तैयार करेंगे, उसमें छोड़ देंगे ये मछली को। यहाँ पर देखिए मछली फ्राई तो एकदम रेडी, तो लेके आओ कुछ तो निकालने के लिए। ये लो भैया इसमें निकाल दो, ये देखो एकदम जबरदस्त कड़क फ्राई बन गया, और ये जाएगा अभी मसाला पेट में, पेट में जाएगा, खाली खाने का ऊपर तो खत्म होने दो, पेट में जाने के लिए टाइम है। पुना मैं खा रहे थे अभी इसको, 2-3 पीसेस लेके भाग जाते इधर से। पुना का बदनाम कर रहे खाली बिल्कुल, पुना ऐसा नहीं है, खाए तो एकदम 4 पीस खाएगा, वो 1-2 पीस खाएगा तो सही बात बोला सही है ना पुना? सही भैया, कितना 4 पीस खाए, कैसा दिख रहा पुना बताओ, फ्राई कैसा दिख रहा? एकदम कलरफुल है, और करी बनने का बाद कैसा दिखेगा वो भी बताओ। ओ टेस्टी टेस्टी दिखेगा जी, अफगानी स्टाइल में फिश करी। तुम बोलो पुना एक बार, अफगानी स्टाइल में पुना का मुंह से सुनेगा आज, आज कौन सा करी बन रहा पुना बताओ, अफगानी स्टाइल में फिश करी। चलो आज बनाएंगे अफगानी स्टाइल में फिश करी। देखो आज बनाएंगे अफगानी स्टाइल में। सबसे पहले इसमें डालेंगे ऑयल, और बचा हुआ पुराना ऑयल भी डाल दो इसमें, जो ऑयल पे अपन मछली को फ्राई कर रहे थे ऑयल भी डालो इसमें। बस, ये देखिए यहाँ पर ऑयल एकदम गर्म, अब इसमें जाएगा गरम मसाला बोले तो इलायची और जावित्री दो ही डालेंगे भैया। डालो अफगानी में यही डालना है गरम मसाला बोले तो, और उसका ऊपर अनियन प्यूरी,
अनियन प्यूरी तो अच्छा सा फ्राई हो रहा है, इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये देखिए आप जाएगा इसमें टमाटो प्यूरी, एकदम जबरदस्त वाला मसाला तैयारी हो रहा है यहाँ पर, और इसको 5 मिनट तक अच्छा सा फ्राई करेंगे। भाई स्पाइसी बनाएंगे बोल के मैं ही डाल दे रहा हूँ मिर्ची, पूरा 6 स्पून डाल देता हूँ भैया। अच्छा डालो डालो, 1 2 3 4 5 6 आज मारेगा दिख रहा है अपना। नहीं भैया 6 चम्मच पूरा मिर्ची पाउडर डाला उसमें, देखिए भाई इतना कलर दिख रहा है, इतना कलरफुल। और क्या बचा है अपना मसाला, देखिए पूरा। और इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, धनिया पाउडर तुम्हारा मर्जी कितना डाल देंगे भैया। मिर्ची में तुम्हारा मर्जी, धनिया पाउडर में मेरा मर्जी। 4 चम्मच चलो, 4 2 आया और 2 3 आया, 4 बस। और नमक भी डालो, 2 आइटम उनके मर्जी में गया, अब मैं डालूंगा मेन आइटम नमक डालूंगा मैं मेरा मर्जी में, 6 चम्मच। ये क्या मारेगा क्या, 3 चम्मच बस, 1 2 और 1 हाफ बस। और इसका ग्रेवी अच्छा बनाने के लिए क्या है, काजू पाउडर है भैया। कितना डाल रहे हो, 10 स्पून डालेंगे। अच्छा डालो, चलो पानी पानी, ये पानी जाएगा मेरा मर्जी में, पूरा दबा के डालूंगा और मछली को डुबाऊंगा पूरा पानी में आज। वैसे अभी होना आग, नीचे थोड़ा सा आग लगाएंगे और थोड़ा ग्रेवी को पकने देंगे। ये देखिए यहाँ पर ग्रेवी एकदम जबरदस्त तरीका से तैयार हो रहा, तो अब डालेंगे उसमें बटर। ये देखिए ये आ गया इसमें बटर, और ऊपर से डालेंगे कसूरी मेथी। ये देखिए अब जाएगा इसमें कसूरी मेथी, वाह क्या खुशबू आ रहा भाई, एकदम जबरदस्त। और अब डाल देंगे इसमें सीधा मछली को, पुना हाँ भैया लेके आओ लेके आओ। पुना गपा गप एक मछली को खाया अभी, नहीं भैया अरे हो मुंह चल रहा ना उसका देखो। नहीं अब डालेंगे उसमें मछली, इस तरह रखते जाएंगे फटाफट। मिलाना भैया इसको, नहीं नहीं इसको मिलाने का जरूरत नहीं, टूट जाएगा ये आराम से। अभी रेडी हो गया, रेडी तो अभी हुआ नहीं, लगेगा 10 मिनट, जब तक मछली के अंदर पूरा ग्रेवी जाना चाहिए। अभी खाली 10 मिनट में बन जाएगा अफगानी स्टाइल फिश करी, फिश करी। ये देखिए अभी पकने में खाली 5 मिनट बाकी है अभी, और उसके बाद लेंगे खाएंगे उसको राइस के साथ, एकदम मजा उठाएंगे। ये देखिए एकदम जबरदस्त तरीके से ग्रेवी तो रेडी, और उसका अंदर मछली भी, ये देख सकते हो भाई इतना बढ़िया तरीके से, देखिए भाई ओ एकदम मसाला वाला मछली करी अफगानी स्टाइल में रेडी हो गया। ऊपर से डालेंगे जिंजर, और इसको खाली 2 मिनट रखेंगे, और उसका बाद इसको नीचे उतार देंगे। चलो अपना करी तो रेडी हो गया, नीचे उतारेंगे चलो। चलो अब लेंगे उसको खाएंगे राइस का साथ। ये देखिए आ गया मछली, और ऊपर से डालेंगे ग्रेवी। पुना ये लो तुम्हारा प्लेट, ये ले लो पुना। चलो खाएंगे अफगानी स्टाइल का फिश करी, मजेदार टेस्ट आ रहा पूरा। पहले फ्राई हुआ उसके बाद करी हुआ, और उसमें जो बटर डाले थे ना, बटर का स्वाद भी आ रहा, और ऊपर से जिंजर का, ये देखिए मजा आ जा रहा। एक साइड से फिश जबरदस्त है, और उससे ज्यादा ग्रेवी भी जबरदस्त है, बहुत बढ़िया एकदम जबरदस्त तरीके से पके और मजा आ जा रहा। तो इस तरह पूरा खाते रहेंगे और पूरा आज करेंगे खत्म, देखेंगे लास्ट में खत्म हो पा रहा या नहीं, क्योंकि अपना पास बहुत सारा मछली है, खत्म कर देंगे घर को जाने के बाद भी खाएंगे भैया सेकंड राउंड नहीं तो तीसरा राउंड, मजेदार खाना को छोड़ेंगे नहीं, पूरा करेंगे खत्म।